ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, हाँ अपने अब्बा के पास आ। हाँ जलाल, हमारे उसर को मत लेके जाइए जवान। वो उसर बोली गई है, क्या बोल रहे हैं जवान? कदर नहीं कर गई है। शहंशाह, अपने आप को दंड क्यों दे रहे हैं? भीतर चलिए, बारिश में रहकर स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें हमारे जलते दिल को बुझा नहीं पाएंगी। जो थामेगा, अब सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे सपने तबाह हो गए हैं। हमने कहा था ना आपसे कि आपको हुसैन के पास होना चाहिए। ने जो अपनी औलादों को खोया है, क्या उस नुकसान की वजह हम आपको समझे? जूता बेकार ये सन्नाटा, आपकी खामोशी, आपकी रजामंदी बयां कर रही।
ये रुकैया रुकैया चले गए तुम्हें छोड़ के। संभालो अपने आप को बेटा। बेटा कैसे संभालो खुशी से नहीं नवाजा लेकिन कोई यहाँ से कुछ नहीं लेगा। सब्र रखो बच्चे, सब्र रखो। काजल आ गया हमारा उसे आपको हमारे उसे को लेकर आई ना पुपी जान, हमारे उसे को लेकर आई ना। माफ कीजिएगा मलिका आज़म, माफ कीजिएगा सलीमा बेगम, अगर आप हमें यहाँ दिलासा दें, हमदर्दी जताने आई हैं, तो हम आपको बता देते कि हमें उन लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान हुआ है। आप ही थी ना जिसने चौदह बेगम को बच्चा देने की वकालत की थी, और आप सलीमा बेगम, आप ही ने कहा था कि बच्चा जोधा बेगम को दे दो, जोधा बेगम हुसैन का ख्याल रखेगी। आज क्या हो गया? आप दोनों की वजह से हमारी खोज पूरी हो गई। अरे उजाड़ दिया आपने हमारी खोज। रुकैया, ये क्या कह रही हो? इतनी कड़वाहट नहीं पालते हैं बेटे, ये तुम्हारे अपने हैं। कैसे अपने फूफी जान? ऐसे ये होते अपने? अरे अपने खुशी देते हैं खुशी। शायद जोधा बेगम एक अच्छी बीवी हो, एक खूबसूरत माशूका बन सकती है, लेकिन एक माँ, एक बेहतर माँ वो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि उनका आधा से ज्यादा वक्त अपने शौहर, अपने आशिक को खुश करने में चला जाता है। हमारा क्या जमाने तू? रुकैया, तुम्हारे दर्द की खलिश हमें भी तकलीफ देती है, मगर जोधा के लिए इतनी कड़वाहट ठीक नहीं है। जोधा की भी गोद उजड़ी है, वो गहरे सदमे में है। ये आप ही ना मुझे, आपको जोधा बेगम की तकलीफ दिखती है, आपको उनका सदमा दिखता है, लेकिन क्या आपको हमारी तकलीफ नहीं दिखाई देती? अभी जान ख्याल हमें आप दोनों का है रुकैया बेगम, इसलिए तो हम सब यहाँ पर हैं। और वैसे भी हसन और हुसैन को जहर देने वाली जीनत बेगम है, वो जीनत बेगम जिसे हम सबके मना करने के बावजूद आपने दाई माँ के लिए चुना। हमें माफ कीजिएगा रुकैया बेगम, लेकिन अगर ये हक आप जोधा बेगम को दे देती तो शायद इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। खुदा के लिए अपने आप को संभालिए रुकैया बेगम। हमारा बच्चा। शहंशाह का कहना ठीक था, उस रात हमने वो सब खो दिया था जो सब हमने बनाया या पाया था, संतान, प्रेम, संबंध और भावना, सब। वो मोहब्बत जो हम दोनों के बीच थी, उस रात के बाद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती महसूस होने लगी थी हमें, जैसे कि हमारी मोहब्बत ही हमारी औलाद की मौत की वजह बनी थी। इस बार बिना कोई अल्फाज कहे, बिना एक दूसरे से अलविदा कहे हम अलग हो गए थे। उस रात की कालीख उन तमाम बातों पर पड़ गई थी जो हमने किए थे। कहने को हम एक महल में थे, एक छत के नीचे, मगर उस रात का अंधेरा ऐसी दीवार बन गया था जो सामने रहकर भी हमें मिलने नहीं दे रहा था।
समय बीत तो गया, हम दो जो एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, अब एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। और सच कहे तो शहंशाह, कुछ बचा भी नहीं था जो हम दोनों को जोड़े, जो किसी संवाद की वजह बने। शहंशाह फिर से दयालु अकबर से बदलकर क्रूर जलाल बनते जा रहे थे। उनका हृदय धीरे धीरे मर रहा था और उसमें भरती जा रही थी घृणा। लगने लगा था कि उन्हें मानवता से ही नफरत होने लगी थी। ना मन में दया शेष थी ना करुणा। अकबर से फिर से जलाल बन चुके थे वो। शहंशाह, मन की अशांति अब बाहर आने लगी थी। उनके हृदय के भीतर घुमड़ता तूफान बाहर आकर विध्वंस करने को तैयार था। मुझे माफ कर दो। नहीं, नहीं। हम जानते थे कि हमारा ये बदलाव जोधा बेगम के दिल में हमारे लिए नफरत पैदा कर रहा था, मगर हम भी क्या करते। रहम और मोहब्बत दिल में होती है, और वो दिल जब भी जोधा बेगम ने हमारे सीने में धड़काया था, मगर अब उसकी धड़कनें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अकबर मर रहा था और शमशीर से तकदीर लिखने वाला जलाल फिर से सांसें लेने लगा था। जोधा जलाल जिस दौर से गुजर रहा है वो हम समझ सकते हैं, अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नेकी के बदले जब बदी मिले तो अक्सर खुदा से एतबार उठ जाता है इंसान का। जलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे खुदा की ये मर्जी मंजूर नहीं है, वो इसे नाइंसाफी समझ बैठा है और खुद इंसाफ करने के लिए निकल पड़ा है। वो बदल गया है जोधा। हम औरतें अपने अंदर घुटे हुए धुएं को आंसू के जरिए निकाल लेती हैं। एक शहंशाह होने के नाते जलाल को वो हक भी नहीं कि वो आंसू बहा सके। सांप चला जाता है मगर लकीर छोड़ जाता है। वक्त भी सांप की चाल चलता है। वो गुजर गया था। शहंशाह जलाल अब एक बदला हुआ इंसान था, जिसकी नजरों में रहम और अमन अब कोई मायने नहीं रखते थे। बस अब बात हुआ, अब हमारे सवाल का बांध टूट चुका है। वो राजवंशी हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। पिछले तीन सालों से वो हमारे दुश्मनों को पनाह दे रहे हैं, लेकिन अब हम पर कहा गया है अंजाम भुगतने का। क्या लगता है उन्हें कि वो हमारी मुगल सल्तनत को तबाह कर देंगे? अगर वो हमसे जंग करना चाहते हैं तो उन्हें जंग मिलेगी। हम अभी इसी वक्त जंग का ऐलान करते हैं और ऐलान करते हैं कि अब चित्तौड़गढ़ पर हमारा कब्जा होगा। हमारा कब्जा। शहंशाह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने जाने वाले। क्या हमें शहंशाह से बात कर इसे रोकना होगा? नहीं जोधा, शहंशाह आपसे नाराज है। आपके समय वहां जाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, परंतु हमें उनसे मिलना ही होगा। मुती
क्षमा कीजिए बुआसा, शहंशाह अंदर तैयार हो रहे हैं। हमें शहंशाह से आवश्यक बात करनी है मानसिंह। शहंशाह का आदेश है कि कोई दखल न दे। मानसिंह, तुम अच्छे से जानते हो कि शहंशाह ये युद्ध किसी कारणवश नहीं अभी तू क्रोध में आकर कर रहे हैं, तब भी तुम उनका साथ दे रहे हो। शहंशाह की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य शहंशाह की रक्षा करना है, उनके मान की रक्षा करना। और तुम अच्छे से जानते हो कि उस युद्ध के कारण शहंशाह का नाम खराब होगा। किस बात का शोर मचा रखा है यहाँ? शहंशाह, हमें आपसे आवश्यक बात करनी है। इस वक्त हम जंग पर जा रहे हैं जोधा बेगम, इस वक्त हम बात नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि आपसे बात करने का उपयुक्त समय यही है। ये युद्ध उचित नहीं है। जोधा बेगम, हम तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हम शहंशाह हैं, हमारा फर्ज है कि हम मुगल सल्तनत की सरहदें बढ़ाएं, अपने दुश्मनों का सरक्रम करें और जो उन्हें पनाह देगा उनका भी वही हश्र करें। परंतु शहंशाह, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इस युद्ध के कारण कई निर्दोषों को अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे? निर्दोष, मासूम, निर्दोष और मासूम तो हमारे बच्चे भी थे जोधा बेगम, फिर उन्हें अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? जोधा बेगम, अब बस हम अपने फर्ज निभाएंगे। शहंशाह, राजवंशियों का रक्त बहाने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। पहले आपकी पीड़ा आपके क्रोध में बदली, फिर आपका क्रोध हथियार में, और ये उचित नहीं है। जो सही है या गलत है जोधा बेगम, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और अब आप वो करें जो आपको करना चाहिए। आप एक बेगम होने के नाते अपने शौहर को तिलक करें। जब वो जंग पर जाता है तो वो रस्म निभाइए जोधा बेगम। हजारों की मृत्यु के प्रपात्र पर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे शहंशाह। शहंशाह, ये रस्म हम पूरी कर देते हैं। नहीं! जो रस्म जिसकी है से वही निभाएगा। ये रस्म आज तक जोधा बेगम निभाती आई हैं, आज भी वही निभाएंगी। तिलक करें आप जोधा बेगम। इस बार हम अनुचित का साथ नहीं देंगे। मोतीबाई, पूजा की थाल लेके आओ। हो सकता है जोधा कि तुम जलाल के इस फैसले से इत्तफाक ना रखती हो, लेकिन जो रस्म है उसे तो तुम्हें इत्तफाक रखना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारे शौहर की जिंदगी और फतेह की रस्म है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद जलाल की जिंदगी पर खतरा हो सकता है, और हमें पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं चाहोगी। आपकी तलवार पर हमारा रक्त बहा है ताकि आपको सदा स्मरण रहे। आपकी तलवार की धार से बहने वाला सबसे पहला राजवंशी रक्त हमारा था।